अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण कार्य और 1500 ओवरब्रिज और अंडरपास निर्माण कार्य का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पानागढ़ रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल उद्घाटन समारोह को देखने के लिए पानागढ़ रेलवे स्टेशन पर बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई थी। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भारत के 554 रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण कार्य और 1500 ओवरब्रिज और अंडरपास के निर्माण का शुभारंभ किया। पानागढ़ रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मिलकर भारत के सभी हिस्सों में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। आसनसोल रेलवे डिवीजन के अंतर्गत पानागढ़ रेलवे स्टेशन का भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रीडेवलपमेंट किया गया। इसके तहत पानागढ़ स्टेशन का सौंदर्यीकरण, आधुनिकीकरण, पानागढ़ स्टेशन से सटे रेलवे गेट पर पुल का निर्माण शुरू किया गया। इस दिन आसनसोल रेलवे डिवीजन की तरफ से पानागढ़ स्टेशन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल उद्घाटन समारोह को देखने के लिए पानागढ़ स्टेशन पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। इस मौके पर बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद SS अलुवालिया, आसनसोल रेलवे मंडल के DRM चेतनानंद सिंह सहित रेलवे अधिकारी मौजूद थे। सांसद SS अलुवालिया ने मीडिया को उद्घाटन की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले इन स्टेशनों का 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। स्टेशन भवन का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। सांसद SS अलुवालिया ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पश्चिम बंगाल के 45 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट करने की योजना है, जबकि 48 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास बनाए जाएंगे। सारा भारतवर्ष से और प्राय 1500 रेल ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज এটা উদ্বোধন করলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী মোদীজি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে। অশ্বিনী বৈষ্ণবজি ছিলেন ওখানে। তো এটা এর আগে ওনারা 2023 সালে 6 আগস্ট বর্ধমান স্টেশনের জন্য করা হয়েছে। আজকে পানাগড় স্টেশনও ছিল তার মধ্যে। তো তার হলো আর ওখানেই ঘোষণা হলো যে আমাদের এই পানাগড়ের যে রেলগেটের সমস্যাটা তার সমাধান হয়ে গেছে। রেল বোর্ড টাকা স্যাংশন করে দিয়েছে আর ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর যে আছে তাকে সেই এজেন্সিকে এই কাজটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। পানাগড় রেল গেটের আর মায়াবাজার দুর্গাপুর তার রেল গেটের দুটারই খুবই দ্রুতগতিতে অবিলম্বে আরম্ভ হবে, যাতে এই সমস্যা থেকে আমরা সমাধান পাবো। সেটা আমি আমার বক্তব্যে বলেছি যে কি এখানে কিছু কিছু ইন্ডাস্ট্রি এসেছে যারা যেটা সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোলের যে নিয়মগুলো আছে বা গ্রিন ট্রিবিউনালের যে নিয়মগুলো আছে সেগুলো পালন করছে না। संतोष मंडल के साथ रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। प्रकृति के अनोखे उपादानों से बनी हनुमंत आटा, असली चाना बेसन, उत्तम दर्ज का दलिया, स्पेशल मैदा, चने से बने विशुद्ध सत्तू, स्वादिष्ट सूजी और परिशुद्ध चीनी, यानी स्वाद और प्यार की कंप्लीट पैकेज। हनुमंत प्रोडक्ट्स 100% शुद्ध, 100% स्वाद।